तो गाइस ट्रेलर आ चुका है BMCM का। ये कुछ गाली जैसा लग रहा है क्या? मेरा मतलब है बड़े मियाँ छोटे मियाँ का। और ट्रेलर से हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, बताते हैं क्या। तो भारी भरकम 3 मिनट 32 सेकंड का ट्रेलर हमारे सामने बहुत कुछ रखती है, जैसे कि वही पुराने एक्शन फिल्मों वाला प्लॉट जो कुछ सालों से हम देखते आ रहे हैं, टेरर अटैक इंडिया पे, और उसको रोकेंगे हमारे 2 जाबाज सिपाही, बड़े मियाँ यानी कि अक्षय भैया और छोटे मियाँ यानी कि टाइगर भाई। स्टोरी प्लॉट सिंपल है, हमारे साईफाई विलन पृथ्वीराज सुकुमारन, जिससे थोड़ी उम्मीद तो कर ही सकते हैं, बड़े ही खतरनाक सुपर विलन के रूप में दिखते हैं, जिनका मकसद कुछ गड़बड़ साउंड कर रहा है ना, जिनका इरादा भारत पे अटैक करना है, जिसे रोकने का काम कोई और ऑफिसर तो कर ही नहीं पाएंगे एक्सेप्ट टाइगर और अक्षय कुमार के, तो वो काम उनको ही मिलेगा। और जैसा हर फिल्म में होनहार हीरो किसी की भी नहीं सुनता है, वैसे ही ये भी नहीं सुनेंगे। फिल्म में कुछ तो साईफाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें विलन लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट करके सुपर पावर हासिल करना चाहता है, और लो भैया मिल भी गया। सोनाक्षी सिन्हा भी ट्रेलर में देखी जा सकती हैं, जिनके ऊपर भी कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा है। हैरान करने वाली बात ये है कि ट्रेलर के लास्ट में बड़े मियाँ और छोटे मियाँ आपस में भी लड़ते दिख रहे हैं, वो क्यों पता चली जाएगा फिल्म देखकर। फिल्म आ रही 10 अप्रैल को। फिल्म का कास्ट भी ठीक ठाक है। फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा, मानुषी छिल्लर और गूगल पे तो जानवी कपूर भी दिख जा रही हैं। बस बॉलीवुड का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ गड़बड़ चल रहा है इस टाइम पे। ट्रेलर में VFX काफी देखने को मिला है, जो ठीक ठाक है। मार्वल DC के VFX के टाइम पे इसे भी हजम कर सकते हैं, बस उम्मीद करते हैं कि पिक्चर में कुछ तो अलग करें। भाई जो कहना साफ, टाइगर की एक्टिंग से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, पर डायरेक्टर अली अब्बास से तो है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से 350 करोड़ का भारी बजट है, तो सह लेंगे थोड़ा सा। बाकी हमको तो ये आजकल के एक्शन मूवी के हिसाब से ट्रेंड से हटकर कुछ और नहीं करते नजर आती है। और अंत में आप सभी को कहूँगा हैप्पी होली, क्योंकि भैया हमारे यहाँ होली एक दिन बाद मनाई जाती है। मगर क्यों, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। चलिए खत्म करते हैं।